हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि आप इस पर भी एक वीडियो बनाओ तो आज की वीडियो में हम इसी कोर्स के रिलेटेड वैरस टॉपिक्स पर बात करेंगे जैसे कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज होंगे टोटल सीट्स और टोटल कॉलेजेस कितने हैं इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर में इसके अलावा हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी बात करेंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी

अगर हम पहले बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स की तो जेके के बोपी ने जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ किया है 2022 के लिए उसमें उन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने का स्टार्टिंग डेट सेवनटीथ मे टू थाउजेंड दिया है इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट यहाँ पर सेकंड जून टू दिया गया है जिसका मतलब यह है कि सेवनटीन थ मे से सेकेंड जून तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं लेकिन ये जो डेट जेके के बोपी ने दिए हैं ये सिर्फ टेंटेटिव है टेंटेटिव मतलब यह है कि ये चेंज भी हो सकते हैं ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसी डेट पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे या नहीं सो so, आप ये पॉइंट ध्यान में रखना एप्लीकेशन फॉर्म्स के बाद अगर हम एलिजिबिलिटी पर बात करें तो एलिजिबिलिटी में पहला पॉइंट यहाँ पर है आप डोमिसाइल होने चाहिए यूटीएफ जम्मू कश्मीर या लद्दाख के अगर आप और किसी यूटीएफ स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं इसके अलावा जो कैंडिडेट्स यू लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनकी जो एस सर्टिफिकेट है वही एज़ ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ट्रीट की जाएगी और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम डोमिसाइल रेडी नहीं होगी तो उसके बदले आपको एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट अपलोड करना है जिसमें आपको लिखना यह है कि काउंसलिंग तक मुझे अपनी डोमिसाइल रेडी होगी यानी कि मैं अपनी डोमिसाइल काउंसलिंग के टाइम आपको दिखाऊंगा एलिजिबिलिटी का दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आपके पास एक वैलिड जीएनएम सर्टिफिकेट होनी चाहिए यानी कि आपका जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद जम्मू एंड कश्मीर पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल लास्ट पॉइंट यहाँ पर है बी मेडिकली फिट यानी कि आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं इसके बाद अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी पर बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी में पहले ही यहाँ पर लिखा गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई की जाएगी प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी कैटेगरी वाइज अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर पहली कैटेगरी एस है इसके लिए एट रिजर्वेशन रखी गई है दूसरी कैटेगरी एस है इसके लिए टेन रिजर्वेशन है तीसरी कैटेगरी यहाँ पर है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इसमें यहाँ पर चार सब कैटेगरीज है जिनमें पहली कैटेगरी है वीकर एंड अंडर प्रिविलेजेड क्लासेस, इसके लिए चार परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है उसके बाद है रेजिडेंट्स ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके लिए भी फोर परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है उसके बाद अगली कैटेगरी है आर इसके लिए टेन परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है और इसकी लास्ट सब कैटेगरी है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल यानी कि पी इसके लिए भी फोर परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है फोर्थ रिजर्व कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यू इनके लिए टेन परसेंट रिजर्वेशन है फिफ्थ कैटेगरी है, है फिजिकली चैलेंटेड परसन इनके लिए चार परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है जो कि हारजेंटल है हारजेंटल रिजर्वेशन का मतलब यह है कि अगर ये पर्सन ओपन मेरिट से बिलोंग करता है तो इसकी रिजर्वेशन ओपन मेरिट से ही काट हो जाएगी और अगर ये किसी कैटेगरी जैसे कि आर बी ए पी एस पी ईडबू एस से बिलोंग करता है तो इसकी रिजर्वेशन रेस्पेक्टिव कैटेगरी से ही काट हो जाएगी उसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ और कैटेगरीज दी गई है जैसे कि सी डी पी इनके लिए तीन परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है अगली कैटेगरी यहाँ पर है चिल्ड्रेन ऑफ पैरामिलट्री फोर्सेज या जेके पी एम इनके लिए वन परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है और लास्ट में यहाँ पर है सपोर्ट्स कैटेगरी इनके लिए दो परसेंट रिजर्वेशन है लास्ट में अगर हम बात करें टोटल कॉलेज और टोटल सीट्स की तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 2021 में टोटल कॉलेजेस फाइव रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें से पहला कॉलेज है राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चेक जम्मू 80 कैपेसिटी रही थी 2021 में दूसरा कॉलेज यहां पर है बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चेक बलवाल जम्मू सेम इसके लिए भी एटी इंटेक कैपेसिटी है उसके बाद तीसरा कॉलेज है स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरान साहब जम्मू इसके लिए भी एटी इनटे कैपेसिटी रही थी फोर्थ कॉलेज यहाँ पर है दाता रानपत देव कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठवा इसके लिए सेवेंटी सीट की इंटेक कैपेसिटी रही थी फिफ्थ और लास्ट कॉलेज यहाँ पर है बीबी हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर इसके लिए फोर्टी कैपेसिटी रही थी टू में सो टोटल जो सीट्स रही थी पोस्ट बेसिक बी नर्सिंग के लिए वो थ्री रही थी टू में इसके अलावा ये जो डिटेल्स हमने आपसे शेयर की ये 2021 ई e ब्रोचर की डिटेल्स हैं 2022 का ई e ब्रोचर अभी तक नहीं निकला है जब भी वो निकलेगा हम आपको अपडेट कर लेंगे बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना